नमक इश्क की बात करें तो शो में हाई वोल्टेज ड्रामा तो चल ही रहा है। आपको बता दें कि आखिरकार गुंजन की मांग तो जरूर भर जाती है। गुंजन की मांग युग भर देता है, लेकिन अचानक दूसरे ही पल फोन ये आ जाता है कि कहानी का भयंकर एक्सीडेंट हो गया है। कहानी हॉस्पिटल में है, कहानी को ICU में एडमिट कराया गया है। ऐसे में युग मंडप छोड़कर भाग जाता है। आपको बताएं कि युग बहुत ज़्यादा परेशान है। वो हॉस्पिटल पहुँचता है और पता चलता है कि कहानी की ज़िंदगी जो है वो खतरे में है। कहानी के बचने के बहुत कम चांसेस है। यहाँ पर अब जब सरोज को ये बात मालूम चलती है कि ईरावती का खेल है ये, क्योंकि ईरावती ने ये एक्सीडेंट करवाया है। ईरावती जान लेने की कोशिश की है कहानी की, और कहानी की स्थिति भी गंभीर है। हालांकि ईरावती का ये खेल देखकर सरोज दंग है। सरोज ईरावती से कहती है कि मैं तो बस घर में इन दोनों को अलग करने के लिए साजिशें रच रही थी, लेकिन आपने तो गजब किया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने तो किसी की जान से खेल लिया। यहाँ पर ईरावती कहती है कि तो ठीक है ना, तो पाप मुझे लगेगा, और पाप मुझे लगेगा तो लगने दीजिए, आप चैन से रहिए। देखना बड़ा दिलचस्प होता है कि अब शो में आगे कौन सा नया ट्विस्ट आता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मनीषा सिन्हा की रिपोर्ट, वेब 23 न्यूज़।